फतेहपुर जिले में एक बरसाती नाले में एक युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि अपहरण के बाद रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस हर पहलू पर पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के लोहर गढ़वा गांव का है। यहां एक बरसाती में एक युवती की लाश पड़ी मिली। लोगों ने आनंद फानन में इसकी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। महिला का शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि पहले उनकी बेटी का अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने अपने ही एक नजदीकी रिश्तेदार पर अपहरण, रेप और हत्या का आरोप लगाया है। मेरी लड़की सरिता ललावली काम करने आई थी 29 तारीख। जब घर वापस लौट रही थी, इनको वजह रास्ते में मिला रिश्तेदार, वो बहला फुसला के उसका और एक साथी ले गया। उसके साथ में गलत काम करके हत्या करके फेंक दिया। उसका शव आज तड़के मिला है 5 बजे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। एक जो बरसाती नाला है, उसमें एक महिला का शव उतराता दिखाई दिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के उस शव को कब्जे में लिया गया है। प्रथम दृष्टया शव पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। इस प्रकरण में गंभीरता से जांच पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि कल रात में इस महिला के पिता के द्वारा गांव के ही एक युवक अजय कुमार निषाद के संदर्भ में ये तहरीर दी गई थी कि इस युवक के द्वारा इस महिला को बहला फुसला के कहीं भगा ले गया है। संबंधित प्रकरण में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कल रात में ही किया गया था। इस संदर्भ में अजय कुमार को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी तथ्यों की गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। यह तथ्य सामने आया है कि इस महिला और ये जो युवक अजय कुमार है, ये पहले से परिचित थे और आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। फतेहपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।